नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। समान नागरिक संहिता पर सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का मैं पक्षधर हूं। यूसीसी लागू करने को लेकर एमपी में एक कमेटी का गठन होगा, साथ ही साथ एमपी में एक पत्नी रखने का अधिकार होगा। शादी के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो छल किया जाता था, उसे नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यूसीसी लागू करने का पक्षधर मैं भी हूं। अब मध्य प्रदेश में एक ही पत्नी रखने का ये समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, साथ ही साथ मैं भी इसके समर्थन में हूं। मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैयाओ। और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते। आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं, बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं, समान नागरिक संहिता एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। तो वही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत हितलाभ का वितरण किया जाएगा। जनसेवा अभियान के स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बता दें कि बैतूल के कुडम्बकासुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम में बैतूल समेत नर्मदापुरम हरदा के हितग्राही में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत वितरित स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे और बैतूल के कुटुंबकासुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में बैतूल समेत नर्मदापुरम हरदा के भी लोग शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत हितलाभों का वितरण किया जाएगा। वे आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके जन्मदिन पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है और कहा है कि मैं भी यही कामना करता हूं कि आपका जीवन सुदीर्घ हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जन्मदिन पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और उन्होंने लिखा है कि ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं।